नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खबर जड़ से डिजिटल और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। आज एक और घर की बेटी ने सुसाइड कर लिया है। पूरा मामला बताएंगे कि क्या मामला है, क्यों सुसाइड किया। परिवार वाले इस समय फरीदाबाद की डबुआ थाने के बाहर खड़े हुए हैं, आप सभी देख पा रहे हैं तस्वीरें। और मैं आपको बता दूं, 21 वर्षीय काजल जिसने सुसाइड किया है, 21 वर्षीय काजल है। सुसाइड क्यों किया है, किसका किसके बारे में किसका नाम आ रहा है सुसाइड के पीछे, बात करने के लिए जुड़ेंगे। एक बार काजल की फ़ोटो दिखा दीजिए। एक बार देखिए, ये काजल है। एक मिनट, यहाँ फ़ोटो दिख नहीं रही है, मैं आपको काजल की फ़ोटो दिखा देता हूँ एक बार। ये देखिए, ये काजल की फ़ोटो है, आप देख पा रहे हैं। ये काजल की फ़ोटो है जिसने सुसाइड किया है। परिवार वाले हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं पूरा मामला कि सुसाइड क्यों किया इन्होंने। ये सामने जो आप माताजी देख रहे हैं, ये काजल की माताजी हैं, साथ में सिस्टर हैं उनके, सिस्टर हैं आप उनके। पूरा मामला जानते हैं क्या है। अपना नाम बताइए। मैं सिस्टर सोनिया। क्या क्या कारण है, कब शादीशुदा थे काजल जी? क्या कारण है सुसाइड किया उन्होंने कल रात को, क्या कारण है? कारण तो क्या है कि मेरी शादी की थी, तंग करते थे लड़की को, हम दो चार बारी आके समझा के गएंगे और 2 साल का बेटा आएगा, पहले भी मारा हुआ रहेगा उसको, फिर हमने सोचा कि घर बसाना का, इसी घर में उसे रखें। और उसके बाद कल इन लोगों ने इनको काजल को मार दिया, सास ये ससुर ने, जेठ ने और आदमी ने। क्या नाम है इन सबका, आदमी का क्या नाम है? विनोद। क्यों, पहले भी 2 साल हो गया बता रहे हैं शादी को, 2 साल का 4 साल हो गए, शादी को 4 साल हो गए हैं और 4 साल से ही ये झगड़ा, शादी के 2 महीने बाद से ये सब शुरू हो गया था उनके बीच में। बस वही कहते, तेरी माँ ने कुछ दिया नहीं है, दहेज नहीं दिया। मैं एक दो बार गई हूँ बोल कर आई हूँ, तो फिर उसका जेठ और उसका ससुर बोला जब लड़की यहाँ रखवानी है तो कुछ तो देना पड़ेगा। मैं फिर भी अपने घर चली आई चुपचाप से। फिर उसके 2020 में लड़की को जला दिया था चेहरे से और हाथों से। फिर मैं गई, मैं घर गई उनके, तो मैंने बोला, मैंने कहा जब तुमसे नहीं रखी जा रही तो मुझे दे दो। वो तब भी नहीं माने, तो कह रहे कोई बात नहीं तुम सामान दे दो। जब एक बार उन्होंने जलाने का प्रयास किया उसको, उसके बावजूद भी आप उनके घर छोड़ा है। मेरी बेटी ने वो लव मैरिज की थी तो वो कह रही मम्मी मैंने एक घर एक का साथ पकड़ा, मैं दूसरे घर नहीं जाऊंगी, ना तुम्हारे घर जाऊंगी, मैंने जो करा मैं अपने घर ही रहूंगी। क्या नाम बताया आपने लड़के का? विनोद। क्या करता है विनोद? कुछ नहीं करता, नशेबाज करता है, लड़की करती है काम, दुकान खुलवा कर दी थी मैंने उसे, कॉस्मेटिक की दुकान करती थी डबुआ में। हाँ जी, पहले जलाया था, जलाया था लड़की ने, उसकी मारपीट करते हुए की वीडियो भी लड़की ने भेजी थी हमें, वो मारता था और वीडियो बनाता था। लड़की ने चुपचाप से एक दिन वीडियो भी भेज दी थी, वो वीडियो भी है हमारे पास। लड़की को मारता था, वीडियो भी बनाता था उसको मारने की। हाँ जी। मायका कहाँ है उसका? फरीदाबाद में, मेरा मायका वही फरीदाबाद का है, मेरी लड़की का ससुराल फरीदाबाद में ही है। उसने उसी गली में छोड़ के, हाँ, और मैं दिल्ली रहती हूँ। मैं कल घर पर नहीं थी, रात 12:30 बजे मुझे फोन आता, इन्होंने फोन भी नहीं करा मुझे कि तुम्हारी लड़की के साथ ऐसे ऐसे हो गया, इन्होंने खुद मार दिया लड़की को। मेरी लड़की ने सुसाइड नहीं करी, इन्होंने मारा गया, तीनों ने मिलकर मारा मेरी बेटी को। पुलिस थाने पहुंचे, कंप्लेंट दे दी है, क्या बोला आपने पुलिस कंप्लेंट में, क्या लिखा आपने? वही सब लिखा है जो मेरी बेटी के साथ हकीकत हुआ है, बस मुझे न्याय चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, इन तीनों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसका नाम लिखा आपने कंप्लेंट में? बाहर रोड पर थी ना, पकड़ पकड़ डंडे डंडे मार रहे, पूरी गली में खदेड़ के खदेड़ मार रहे। काजल के जेठ ने, क्या नाम है जेठ का? हरीश। उसने मारा काजल को? काजल को मारा भरी रोड में बाहर डंडे के साथ मारा जाता था। हाँ, कितने दिन पहले मारा? पहले भी 1.5 साल करीब हो गया, सबने इतना देखा। जेठ को मारना क्या, जेठ क्यों मार रहा है उस काजल को? पैसों के लेन देन के लिए। हाँ जी, क्योंकि मेरी बहन गरीब है, उसके भी हस्बैंड नहीं है, एक बेटा है। उसको कहते अपनी माँ से नहीं मिलेगी जब तक सामान नहीं देगी तेरी माँ। चोरी छुपे वो मेरे से मिलती थी, चोरी छुपे मैं उससे डबुआ में मिलकर जाती थी। और अब आपने कंप्लेंट दी है पुलिस को, किस किस लोगों के नाम लिखवाए? उसके जेठ का, उसके पति का, उसके ससुर का।
हाँ जी सास नहीं है, हैगी सास भी है, नहीं सास भी ठीक नहीं है, लेकिन लेडीज हम क्या करेंगे उसको मारा नहीं सर, मारा तो इन तीनों नहीं है क्योंकि काजल बताती थी यही तीनों ज्यादा वो करते तो एक और एक वकील और किसी और का नाम भी ले रहे थे, कौन है वो जो बीच में प्रकाश वकील है, वकील है, वकील का नाम है प्रकाश, क्या कह रहे हैं वो मेरे को देखकर जब हम लोग पहुंचे थे वो कह रहा आप लोग करने के आए हो, आप मेरे को गई थी कह रहा जो होना है वो तो हो गया तुम घर जाओ, आपको बोलते क्या करने आए हो जी, आप तो परिवार के जब भी दो फिर हमने उसको बोला फिर वो भाग गया हमारे देख के, उसका क्या मकसद हो सकता है वो क्यों आ रहा है, वो इनका रिश्तेदार है, रिश्तेदार के लाता अपने आपको कह रहा रिश्तेदार तो विनोद आपका जो जवाई था उसका रिश्तेदार है, रिश्तेदार बताया जाता है, अभी पुलिस प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं, हमारी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए हमारे और तीनों के तीनों बंद होने चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए उसको, हमारे को बस ये चाहिए इंसाफ, मामला है कहाँ का, ये अपना उड़िया कॉलोनी, उड़िया कॉलोनी फरीदाबाद, और कुछ बताना चाहेंगे इसके अलावा, आप कौन है, मामी हूँ मैं सर, अच्छा, काजल की मामी है, हमें ही सबसे पहले खबर मिली थी कि लड़की की डेथ हो गई है, अच्छा। हमारे घर पे रात को 12 बजे आए हैं, बताते कि 9:30 बजे उसने ऐसे ऐसी बात कर ली है, अच्छा। और 12:30 बजे करीब हमारे घर पे आए पुलिस लेके, उनके पड़ोसी है रतिकांत, अच्छा। वो भी सारी चीजों में वो थे, वही सबसे पहले आए, उन्होंने बताई कि आपकी भांजी ने ऐसे ऐसी बात कर ली है, हमने जाके देखा तो बॉडी नीचे उतार रखी थी जी पुलिस वालों ने, और उसके बाद लड़की का पूरा कमरा सिमटा हुआ था, एक भी चीज इधर से उधर नहीं थी, अगर कोई बात भी होती तो सिमटा हुआ कमरा थोड़ी रहता, कुछ भी रहता, पंखा भी इतने नीचे है सर, उसने कैसे सुसाइड की हम नहीं जानते, इन लोगों ने जानबूझ के किया, अब हमें वो लड़का चाहिए जो भी कुछ है, लड़के को छोड़ रखा है, कभी इंसान मरता उसके घुटने नहीं टिक जाते, वो बैठी पड़ी है ऐसी हलती पलती में, कोई ऐसे नहीं मरता, सर 4 साल से जेल में थी, निकलती है लड़की की उसकी जीभ भी नहीं निकली, आप ये कह रहे हैं कि सुसाइड अगर किया होता तो लगता जिस साइड के लग नहीं रहा, पंखा भी नहीं लटका हुआ सर, पंखा भी सीधे के सीधे है, और जवान उतना स्पेस ही नहीं है कि जो फांसी लगा सके, सुसाइड कर सके, नहीं है पंखे की, हाँ पंखे की हाइट, पंखे की हाइट 7 फुट होगी, लड़की की हाइट 5.5 फुट, तो 5.25 फुट लड़की की हाइट है, उसके साथ बेड डला हुआ है, अगर हम फांसी कोई लगाएगा अभी तो, अगर किसी दुपट्टे से किसी लगाए तो दुपट्टा भी खींचेगा तो जमीन में पैर आ जाएंगे, उस हालत में थी वो जगह सर, वो बेड पे बैठी हुई दिखाई है, इन पुलिस वालों ने फोटो खींच के डाली है, उसमें बेड पे बैठी हुई है, उसमें लगी न रखी, उसने फांसी लगाई है, जब पुलिस वाले ने मट्टी उतार ली थी तब हम मारा गया, और 3 घंटे बाद सर फिर उसको लटकाया गया मार के, पहले मारा गया जी, पता चला कि 3 घंटे हमारे को पता लग रहा 3 घंटे बाद 12 बजे उन्होंने खबर दी मेरे मायके में जाकर, तो 3 घंटे से वो लोग कहाँ थे उन्होंने, तब क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी लड़की ने ऐसे ऐसे कर लिया, घर में रहते मुझे तक नहीं बताया, पुलिस वाले पहले वकील किस लिए पहुंचा, अच्छा पुलिस वाले से पहले वकील किस लिए पहुंचा, मुझे बात का जवाब दिया जाए, पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं, क्या किस लिए, पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, मैं समझ नहीं आ रहा मुझे कुछ, कल रात से बॉडी आ रही है मोर्चरी वार्ड में, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, बयान देंगे 1 घंटा से ऊपर हो गया, अभी कोई जवाब नहीं आ रहा, कभी उससे पूछताछ कर रहे हैं, कभी उससे पूछताछ कर रहे हैं, चलो आपने कंप्लेंट दे दी ना अभी तो, कंप्लेंट दे चुके हैं उसको, लेकिन हमारे पास अभी कॉपी नहीं आई है उसकी अटैच कॉपी की, हम ये लोग पकड़े लो कॉपी, क्या आगे पीएम करवाएंगे, क्या करवाने हैं इनका, ये झांसा है कि भैया पीएम आने के बाद ही रिपोर्ट आने के बाद उसके बाद आगे कार्रवाई करेंगे, के बाद कार्रवाई, हाँ जी जब तो लड़का ऐसी घूमता रहे हमारा की तरह, अभी लड़का आप कह रहे थे अंदर है, अंदर है, अंदर है, एसएचओ साहब ने रूम में बुलाया उसको, किस लिए बुलाया एसएचओ साहब ने रूम में, वहां जाके पूछे, तो देखिए जो प्रोसेस है ना भाई साहब, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन प्रोसेस है पोस्टमार्टम के बाद जैसे भी होगा, पोस्टमार्टम के बाद जैसे भी जो भी पोस्टमार्टम में आएगा, अभी क्या मौत का कारण है, आप बता रहे कि दहेज के लिए भी तंग करता है, तो उसके लिए आपने दहेज की धारा लगवा दी होगी, सबको हमने जो भी हमारा जो बयान था हमने दर्ज करवा दिया उसके ऊपर, रिपोर्ट में लिखवा दिया हमने उसके ऊपर, पुलिस ने ये कहा है कि खड़ी से खड़ी कार्रवाई करके उसको पकड़ रखा और जो भी है डाले, और जो उसका बच्चा हमें हमारा वाले करे, क्योंकि नशेड़ी गंजेड़ी है 1 रुपये काम करता नहीं है, अभी भी जाके देखो इंजेक्शन लगा रखे इसने, दुकान में चोरी करके पैसे लेके आता, वो कमाती थी बेचारे पैसे लेके आता था उसके अंदर से, डेली झगड़ा करता था उसका दुकान, आप कौन है, मैं उसका मामा हूँ, मेरा घर यहाँ से लेकर 50 मीटर दूरी पे है, हाँ जी मेरे को ठीक 12:10 पे बताया गया है, तुम कह रहे हो कि 8:30 बजे 9 बजे इस पे इसने सुसाइड करी है, तो 4 घंटे से कहाँ थे, पुलिस वाले से पहले वकील कैसे पहुंच गया, उससे पहले सामने वाला कैसे पहुंच गया, अरे पीआर वालों खबर तो करो, लड़की वाले को बाहर के थोड़ी ना, हमारे को नहीं बताया गया, हमारे को 12:05 में वहाँ पुलिस वाला रतिकांत लेके पहुंचा है, मैं भी नहीं था, मैं भी काम पे गया हुआ था, अपने 12:10 मुझे फोन किया, मैं 10 मिनट के घर पहुंचाऊ, जब तक इन लोगों ने बॉडी डेड गाड़ी से ला के कैब के अंदर डाल चुके थे कि हम यहाँ लेके जा रहे हैं मोर्चरी वार्ड में, मैं मेरा भांजा और ये लड़का खड़ा उसका दोस्त, हम तीनों ने खुद अपने हाथ से बॉडी उठा के मोर्चरी वार्ड में डाली है, घर वाले ने ना इसके जेठ ने किसी हाथ नहीं लगाया, तो आप यही चाह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं कि रतिकांत पहले कैसे पहुंच गया, वकील कैसे पहुंच वकील कैसे पहुंच गया, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जी, प्रकाश बिस्वाल नाम है वकील का, अच्छा अब ये बता रहे हैं कि जो पंखे की हाइट है
वो इतनी नहीं है कि साढ़े चार फिट है, साढ़े चार फिट हाइट इसकी, इस पर नहीं है। अगर आप स्टूल लेके भी खड़े हो जाओगे साढ़े चार फिट है, सुपर हाइट इसकी नहीं है। उस हिसाब से फांसी लगाना, फांसी नहीं है, मार के फांसी लगाया टांगा, इसको मार के टांगा गया। अगर हम मैं सुसाइड भी करूंगा पंखा झुकेगा, कॉमन सी बात है, पंखड़ी झुकेगी चाहे उसका स्टैंड थोड़ा झुकेगा, लेकिन कुछ भी नहीं, नॉर्मल है सब कुछ। मैं घर में क्लेश करूंगा, सामान बिखरा मिलेगा, सामान कुछ नहीं बिखरा हुआ, एज इट इज रूम के अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है। आप जाके चल के मेरे साथ देख सकते हो, रूम लॉक करके आ चुके हैं। ये जा रहा था लड़का, ये लड़का है ये जा रहा जो सुना इस प्रकार, किस प्रकार से जो है 21 वर्षीय काजल जिसने कल रात को सुसाइड कर लिया। परिवार वालों का आरोप जो है काजल के जेठ पर लग रहा है, काजल के पति पर लग रहा है, काजल के ससुर पर लग रहा है कि जिस जगह पर काजल की जो बॉडी मिली है, जिस पंखे से बॉडी मिली है, उसकी हाइट इतनी ज्यादा नहीं है। हाँ दिखा दीजिए एक बार, दिखा दीजिए एक बार, आपको फोटो दिखाते हैं जिस कंडीशन में उसकी बॉडी मिली थी। इनका मानना है कि साढ़े चार फुट की छत है, पंखा लटका हुआ है, लेकिन उस लग नहीं रहा है कि बिल्कुल सुसाइड किया है। दिखाइए ये फोटो हमारे पास इसकी, कैसे बैठ के फांसी लगा? अच्छा बेड पे है, बेड पे रखा हुआ, बेड के ऊपर बैठी पड़ी है, फांसी कैसे लगा लेगी ये? दोस्तों आपको दिखा सकते हैं, चलिए जांच का विषय है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, खबर को शेयर करिए। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, इस समय फरीदाबाद के उड़िया कॉलोनी से, फरीदाबाद के उड़िया कॉलोनी से जो है मामला सामने आ रहा है। उड़िया कॉलोनी में शादी हुई थी, उड़िया कॉलोनी से ही लड़का है और चार साल हो गए शादी को, दो साल का बच्चा भी है। लव मैरिज की थी काजल ने और चार साल से जो है दहेज के लिए काजल को तंग किया जाता था। पीछे दो साल पहले लड़की की मां ने बताया कि काजल को जलाने का प्रयास भी किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जो है लड़का परेशान कर रहा था पिछले चार साल से। चार साल से परेशान करने के बाद कल रात को काजल ने सुसाइड कर लिया और परिवार वालों का कहना है कि जिस कंडीशन में काजल की बॉडी थी उस हिसाब से नहीं लगता है कि काजल ने खुद से सुसाइड किया है। इनका इनका ये कहना है कि काजल को किसी ने मार के उसके बाद जो है उसकी बॉडी को पंखे से टांगा है। तो पूरा का पूरा मामला संदिग्ध है, जांच का विषय है। और इनका ये भी कहना है कि एक वकील प्रकाश और एक रतिराम जो पड़ोसी है, उनकी जो उनके जो काम है, वो जो घर वाले जो हैं वो सुसाइड पॉइंट पर पहले नहीं पहुंचे, उनको पहले खबर नहीं दी गई। ये लोग पहले रविकांत और प्रकाश जो वकील है वो कैसे पहुंच गए पहले, तो ये सभी चाहते हैं कि इन पूरे मामले की जांच हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, खबर को शेयर करिए। इस समय फरीदाबाद के डबुआ थाने के बाहर से एक लाइव खबर देख रहे हैं आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खबर जर्से के माध्यम से। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, खबर को शेयर करिए। किसी और खबर के साथ दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।